हाँ जी बोलिए ना, आप अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को। आपको कोस्ट है? नहीं है? कोस बना रहा हूं मैं। यस, कोस किया आपको मैंने। या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। मतलब मेरी शेयरिंग ये है कि मैं जब से मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप पिछले 15 महीने से हम जो लीड कर रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली ये अफर्मेशन आते हैं, मेडिटेशन आता है, और उसके वजह से जो है मेरी लाइफ में, मतलब अगर देखेंगे तो डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, और मेरी लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त जो उसकी वैल्यूज मिल रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर जरूर जो है ये सर जो अफर्मेशन का बता रहे हैं वो पहली हैबिट वो जरूर अपने लाइफ में इनकलकलेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसके लिए आपको अभी लिंक दिया है मनीष जी ने। सुबह हम जो मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप करते हैं, तो सुबह आप ज्वाइन कर सकते हैं 6:30 बजे। 6:30 से 8 बजे तक होता है रोज, ये वो टोटली ज्वाइन फ्री करना। फ्री वर्कशॉप है, द मैजिक बुक वर्कशॉप। रीडिंग वर्कशॉप, पिछले 15 महीने से चल रही है, और आप रोज सुबह 6:30 से 7:30, 1 घंटा भी अगर आते हैं तो उसकी बहुत वैल्यूज मिलेंगी। उसके लिए मैंने ग्रुप के लिंक डाला है, तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी 100+ ग्रुप लिंक ऑलरेडी बन गए हैं, जिसके अंदर आपको आज हमने लिंक भी भेजी थी। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए, ताकि ये सब प्रोग्राम जो होते हैं उसकी लिंक आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, मैं पहले बोला कि मैं इसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में अभी बोलने वाला नहीं हूँ। बाकी लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि वो मत पूछेगा। कल हमारा फ्राइडे 8 बजे सेक्स एजुकेशन का हमारा वेबिनार है, तो उसकी लिंक मैं अभी डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो आप कल आ सकते हैं, ताकि आपके जो भी सवाल जवाब सवाल है उसके जवाब आपको कल मिल जाएंगे। कल हमारा हर फ्राइडे को होता है रात को 8 बजे। तो या फिर आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि आपको हर बार अलग अलग टॉपिक्स लेके हम आते हैं सेक्स एजुकेशन में, तो वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन करो, और कल का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, गुड, थैंक यू। तो यस, अंकुश जी बोलिए, आपको कुछ बोलना था अंकुश? यस सर, स्ट्रेस के लिए आपने मेडिटेशन का थोड़ा बोला, लेकिन एंजाइटी कैसे ये करे सर दूर? एंजाइटी होती है सर शाम में, तो ओनली ओन। एंग्जायटी के लिए क्या है, एक तो मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, यस हिप्नोथेरेपी, हिप्नोटिज्म, उससे एंग्जायटी हाँ बहुत कम होती है, नंबर एक। नंबर दो, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उससे भी फायदा होता है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नो काउंसलिंग, उससे फायदा होता है एंग्जाइटी के ऊपर। और बहुत ज्यादा यदि एंग्जाइटी है तो मेडिसिन तो है ही, जैसा अभी क्लोनेजिपाम नाम की एक दवाई है, क्लोनेजिपाम। अब क्लोनेजिपाम की दवाई जो है, तो जो लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आती है कि बाहर जाने के लिए भी उनको कभी कभी डर लगता है, या बाहर जाते हैं और उनको एकदम इतना डर आता है कि बस तुम बोल दो भी जवान के नीचे रखो गोली, इतना ज्यादा एंग्जाइटी आ गया, तो उत्ती पुरता काम करो। और फिर रोज क्या करना है, रोज ये प्रैक्टिस करना है। देखो, एक आपको बताता हूं मैं कि आप यदि रोज करेंगे नहीं ये अफर्मेशन, तो आपको एंग्जाइटी आएगी नहीं। कबीर का एक दोहा आपको बताता हूं मैं। कबीर ने क्या बोला, मतलब हम क्या करते मालूम है क्या? प्रॉब्लम जब है ना, प्रॉब्लम, तो हम ये करेंगे अफर्मेशन देंगे, और प्रॉब्लम में अफर्मेशन काम में नहीं आते। तो आप जब अच्छे हैं तब ये अफर्मेशन देना है, अच्छे है तो अफर्मेशन देना है। कबीर ने बोला है कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे कोई। दुख में स्मरण करते हैं काय का, अफर्मेशन का, सुख में ना करे कोई। जब सुख रहता है, अच्छे है, तब यह स्मरण करना चाहिए अफर्मेशन का। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे कोई, जब सुख में सिमरन करे तो दुख काय को हुई। जी जब सुख में करेंगे स्मरण तो दुख होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अभी सर, आपको यदि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है तो कुछ मेडिसिन लेना है, कुछ दवाई लेना है, कि बहुत लोगों को ऐसा होता है एंग्जाइटी के ऊपर में लगे तो और एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। और एंग्जाइटी में लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं, दिल धड़कन होता है, मतलब दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आता है, चिंता लगी रहती है, ऐसा लगता है बाप रे क्या हो गया। तो उस समय फिर तो ये कुछ होगा नहीं, काम का आएगा नहीं अफर्मेशन, उसको उस समय आपको दवाई लेनी पड़ेगी,
दवाई लेके जरा दिमाग को शांत करना पड़ेगा, और जब शांत हो जाएंगे तो वो परमिशन देना है, ठीक है? यस सर, यस सर, यस। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत काम में आती है। इसके पहले भी मैंने एक क्लास में बोला था कि शुरुआत कहाँ से हुई वो देखना पड़ेगा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, सबसे पहले क्या हो गया, कौन सा विचार आया, और वहां हम यदि टारगेट करते हैं वो विचार को, वो इमोशन को, तो फिर आगे आगे जो तकलीफ हो रही है उसको हम काट सकेंगे, ठीक है? आगे जाते हैं तो दूसरा एक है कि हाँ, लोग ऐसा भी बोलते हैं मेरे को, मेरे काफी सारे वीडियोस जैसे सेक्सोलॉजी के वीडियोस है, वैसे मोटिवेशनल भी बहुत वीडियोस है, तो लोग बोलते हैं हाँ हमको यदि ऐसा कभी लगा ना डिप्रेस वगैरह तो हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। फिर कोई बोलता नहीं नहीं हम आपके हिप्नोटिज्म की वीडियो सुनते हैं फिर हमको अच्छा लगता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको जब बुरा लगे तब नहीं सुनने का है वीडियोस, जब अच्छा लगे तब सुनने का है, ताकि बुरा नहीं लगेगा, बराबर है कि नहीं? तो आपको जो भी हिप्नोटिज्म है तो मेरे वीडियोस आप यदि आप यूट्यूब के ऊपर डालेंगे डॉक्टर दीपक केकर हिप्नोटिज्म तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे और हिप्नोटिज्म के मिले, रोज रोज सुनो, और फिर मेरा मत सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा अफर्मेशन जो है मेरे जो मैंने बताया वो मत सुनो, आप अपने तैयार करो कि अपने को कौन से अफर्मेशन चाहिए, और वो विजुअलाइजेशन के साथ तैयार करो। विजुअलाइजेशन आपने उस समय इमेजिन करना है, और देखो फिर कितना फायदा होगा, राइट? यस मनीष, हाँ यस सर। का हिप्नोटिज्म के 60 वीडियो, हिप्नोटिज्म सीबीटी के 60 वीडियो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के 60 वीडियो, 14,000 रुपए का जो प्रोग्राम है, केवल 999 रुपए के ऊपर ऑनलाइन वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस है। वो वीडियो आप awarenessforum.in पर जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, वो प्रोग्राम के ऊपर आपको तुरंत एक्सेस मिल जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप जरूर, अगर आपको हिप्नोटिज्म और सीबीटी इसकी वीडियो चाहिए, सर के 60 वीडियो है और वो केवल 999 रुपए में अवेलेबल है, तो awarenessforum.in ये जो लिंक मैंने डाली है उस पर क्लिक करके आज की आज परचेस कर लीजिए, ताकि आपको वो प्रोग्राम लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यस। आगे बढ़ते हैं हम, फिर अंकुश जी आपको चांस देता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, पहली हैबिट मैंने बोला कि डेली अफर्मेशन दो सुबह उठने के बाद, नंबर एक, पहला फर्स्ट हैबिट। अभी दूसरी हैबिट यह है कि रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना, नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाओ कि हम क्या क्या करने वाले, सुबह कितने बजे उठने वाले, रात को कब सोने वाले, उसका पूरा शेड्यूल बना लो। और आप पूरा शेड्यूल बना देंगे तो क्या होगा, टाइम पास वाले कार्यक्रम आप नहीं करेंगे, टाइम पास वाले। तो शेड्यूल पूरा बनाओ क्या क्या करने वाले, और वो शेड्यूल आधे आधे घंटे का करना है कि भाई सवेरे में 7 बजे उठने वाला हूँ, 7 से 7:30 क्या करूंगा, 7:30 से 8 क्या करूंगा, 8 से 8:30 क्या है, 8:30 से 9 क्या है, 9 से 8, ऐसा आधे 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 घंटे का स्लॉट डालो और पूरा शेड्यूल बनाओ। देखो इतनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, इतने रिजल्ट्स आपको आएंगे, और जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो स्ट्रेस नहीं रहता। फिर स्ट्रेस क्यों आता, रिजल्ट नहीं है, सफलता नहीं मिल रही इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। आपको आपका टाइम टेबल दे रहे, सफलता मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, धंधा भी अच्छा चल रहा है, तो काय को स्ट्रेस आएगा फिर। तो नंबर दो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप ये हैबिट बनाए कि जितना आप आधे आधे घंटे का कर सकते हैं शेड्यूल, वो शेड्यूल करने का है। इसके बारे में किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि भाई ये दो सेकंड मैंने बताया, पहला बताया और दूसरा बताया, तो इसके बारे में किसको कुछ पूछना है। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आपको, यस आलोक सिंह बोलिए, आलोक सिंह बोलो, आप कहाँ से हो आलोक सिंह? सर एक्चुअली मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ जी गाजियाबाद, एक्चुअली गाजियाबाद से है। यस ठीक है। सर मेरे को 15 ईयर से IBS की प्रॉब्लम है। हाँ, और इसके साथ साथ मेरे को IBS की वजह से मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मैंने साइकेट्रिस्ट के मेरे ट्रीटमेंट चला करीबन 1 ईयर के आसपास।
तो उन मेडिसिन से, एंटी डिप्रेसेंस मेडिसिन से ये होता था कि मेरे को सिर्फ नींद आती थी और मेरे को फर्क कुछ नहीं पड़ा उस एंटी डिप्रेसेंट खाने से। और ऑफिस में ये हालत हो गई मेरी, जब भी वो मैं मेडिसिन खाता था मेरे को सिर्फ नींद आती थी, जब तक वो मेडिसिन चलती रहती थी जब तक तो ठीक लगता था। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कि जिस दिन, किसी दिन मैंने गैप कर दिया वो नहीं, आप मेडिसिन ऐसा में, करो ना, अपने पास है ना समय कम, आप सवाल पूछो ना। सर मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है 15 ईयर से, इसके साथ में मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो गई है और इसकी वजह से मेरा डिवोर्स भी हो गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को आईबीएस भी हो गया है, डिप्रेशन भी हो गया है और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो गया है, तो मैं इन तीनों चीजों से मैं कैसे बाहर निकलूँ? मैं क्या करता हूँ, आपको नंबर देता हूँ हमारे असिस्टेंट के, ठीक है ना, तो वो आपको मेरा अपॉइंटमेंट देंगे, तो हम कल सवेरे बात करेंगे या सर परसों वैसे सवेरे मेरे बात करेंगे। आप, मैंने आपका पहले पैकेज ले चुका हूँ, मेरे पास वैसे आपका पैकेज है तो जिसमें एक आपने और हिप्नो, डबल से देख लेंगे, और डबल से देख लेंगे क्या उसमें मिसिंग है, क्या हुआ नहीं है, क्योंकि तो हमको आगे आगे बढ़ना है ना। मैं पहले बोला कि भाई हाँ पेशेंट के अपन बीमारियां लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ मैं इतने बताना चाहूंगा सभी को कि जैसा अभी आपने बताया पेट विकार का, तो पेट विकार का मानसिक कनेक्शन, ये मेरा वीडियो जो है, और पेट विकार के मानसिक कनेक्शन कैसे कैसे अलग अलग वीडियो दे उसमें, जैसा बेल्चिंग होना, पेट फूलना, पेट फूल जाना, एसिडिटी होना, लेटरिन साफ नहीं होना, लेटरिन को ज्यादा होना, ऊपर ऊपर ऐसा पानी आना, ऊपर मुंह में आना पानी, ऐसा ऐसे सब उसका मानसिक कनेक्शन क्या है, वो कैसे ठीक करना चाहिए, तो वो आप देख लेंगे तो आपको उसमें काफी सारा पता चल जाएगा। डिप्रेशन के बारे में मैंने वेबिनार लिया था, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यदि ये प्रोग्राम में गुरुवार के आते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ आपकी सभी दवाई बंद हो जाएगी। मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ और बोल रहा हूँ दवाई बंद करना है ना। डॉक्टर ने तो एक्चुअली दवाई लिखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ दवा आपकी दवाई बंद हो जाएगी, जो मैं बोलता हूँ जो क्रिएट करता हूँ वो चालू करो, देखो कितना फायदा होगा आप, ठीक है ना। तो वो करेंगे, आगे बढ़ते हम, तो ये मैंने बताया शेड्यूल लिखना। यस, शिव कुमार पळसकर बोलिए। शिव कुमार जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आप कहाँ से हो? परभणी महाराष्ट्र पालम। मी परभणी से बोलिए। तुमचा पेशंट आहे सर, गोळ्या चालू आहेत मला सर, मला असं लक्षात राहत नाही फक्त काय काम करायचे थोडा। दादा अभी मैंने, अभी मैं हिंदी में बात करूंगा, आपके ख्याल में रहता नहीं है, तो मैंने अभी जो बताया ना वो करो चालू। मैंने क्या बताया कि कल अपने को जो जो करना है वो सब लिखो हाँ एक डायरी में, और वो कब कब करना है, समय जैसे 10 से 10:30 क्या करना है, उसके शेड्यूल अलार्म लगाओ, अलार्म लगाओ, अपने मोबाइल में अलार्म की फैसिलिटी है वो तैयार करें लगाओ, शेड्यूल तैयार करो, तो अपने दिमाग में रखना नहीं कुछ, सब मोबाइल में। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप हमारा होता है, पीएमडब्ल्यू हम बोलते हैं उसमें, ये पूरा का पूरा डिटेल में 1.5 दिन का वर्कशॉप होता है, कि ख्याल रहता नहीं, प्रोडक्टिविटी कम है ना, धंदे में जितना चाहिए उतना यश मिलता नहीं है, काफी सारे हम उसमें बताते हैं अलग अलग अलग, बाकी तो वो ज्वाइन करो आप सर। पीएमडब्ल्यू, तो वो आप ज्वाइन करो, और दिमाग में ज्यादा लोड देना ही नहीं है। मैं दिमाग में लोड देता नहीं हूँ ज्यादा, मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मैं क्या करता हूँ जो भी करना है काम वो मोबाइल में डाल के रख देता हूँ, है ना, दिमाग को तकलीफ देना है बिल्कुल, तकलीफ करने का नहीं दिमाग। तो जो अगले अगले का जो है ना, मतलब अगले दिन का, तो वो उसमें आप लिखो कि भाई क्या क्या आपको करना है, तो उसका टाइम टेबल। नंबर 2 की आदत, नंबर 3, पहले मैंने बोला अफर्मेशंस, नंबर 1, नंबर 2 मैंने बोला कि भाई अगले दिन का शेड्यूल लिखो, लिखना है, मैं बोल रहा हूँ लिखना है, दिमाग में नहीं रखने का है, डायरी लाओ दिमाग में नहीं रखना है, लिखो। बिजनेस कैलेंडर करके आता है, BC, एक ब्लू रंग का आता है ऐप, वो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर गूगल कैलेंडर है उसमें भी आप लिख सकते हैं मोबाइल में कि भाई कल मेरा क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, सिंपल। नंबर 3, तीसरी हैबिट बहुत महत्व की, वो है कि सोने के पहले ग्रेटिट्यूड में रहो और सो जाओ, और ग्रेटिट्यूड में रहो इसका मतलब मेरे पास में क्या क्या है उसके लिए, जिसको भी आप मानते हो उसको, अपने माँ बाप को, अपने खुद को, सबको धन्यवाद दो, एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो।
कि मेरे पास में बहुत कुछ है, मेरे पास में आज मेरी बॉडी है कि जो बिल्कुल अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हाथ के लिए धन्यवाद, मेरे पैर के लिए धन्यवाद, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ उसके लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा बेड मिल रहा है सोने के लिए, अभी ठंड है तो मुझे ब्लैंकेट मिल रहा है सोने के लिए, मैं ब्लैंकेट मतलब रजाई है, ब्लैंकेट है जो भी है, तो मैं अच्छी नींद ले सकता हूँ, तो ऐसा मतलब सभी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास में आज कंडीशन अच्छी है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई शाम को क्या खाने का है, तो उसके लिए धन्यवाद। ऐसा सभी अपने पास में जो है उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं तो जो है वो बढ़ता जाएगा। वो सेंटेंस आप बोलेंगे मनीष जी आपको याद होगा, तो कि आपके पास में जो है उसके लिए यदि आप धन्यवाद देते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो जो है वो बढ़ता जाएगा। राइट, तो आपको जिस भी चीज के प्रति आप शुक्रगुजार होते हैं है ना, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके करियर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, जिसके भी प्रति आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो बढ़ती जाती है, समृद्धि आती है उस एरिया में, जो है वो ग्रोथ होती है। और अगर आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आपके पास में जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। मतलब अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, मतलब आप कंप्लेन मोड में, एक ही मैयान में दो तलवार नहीं होती है, एक व्यक्ति या तो ग्रेटफुल हो सकता है या तो कंप्लेन में हो सकता है, तो अगर आप ग्रेटफुल नहीं है मतलब आप कंप्लेन मोड में, और अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ खराब है, पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, तो आपके पास में अभी जो बिजनेस, प्रोफेशन, हेल्थ है ना, वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो ये पूरा जो है आपको द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप में हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है और आपका ब्रेन जो है उसके लिए तैयार नहीं रहता है, तो उसको आपको तैयार करना होगा, तैयार करना है। यस, थैंक यू अंकुश गंगा खेड़कर, आप कहां से है अंकुश जी? सर मैं अकोला से हूँ। अच्छा, मैंने आपको बहुत बार सुना है। अच्छा, बहुत बार सुना है। मैंने प्रॉब्लम ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ एंग्जाइटी की है। सुबह मैं 6:30 बजे कल से ये मनीष सर के इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो लिंक मेरे को, लिंक कैसे मिलेंगी? वो दिया देखो, चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वो ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे आपको रोज लिंक मिलेंगी सुबह का और बाकी के प्रोग्राम दोपहर में मराठी में फ्री होता है, वो भी अटेंड कर सकते हैं 3:05 पे मराठी में। मैं सुबह में करूंगा सर। थैंक यू सर। या आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो थोड़ा सा सेंटर बिजनेस करते हैं इसके साथ साथ। तो सेंटर बिजनेस ये है कि जैसा भी आपने बताया कि मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप है, वो आपने ज्वाइन करना है कल से। हमारा PMW करके एक प्रोग्राम होता है, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप, तो वो आप कर सकते हैं। 1.5 दिन का वर्कशॉप, बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप होता है। एक लीडर फॉर लाइफ करके वर्कशॉप होता है, लीडर फॉर लाइफ, वो 2 दिन का वर्कशॉप होता है। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप है, आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। आप पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करना, अटेंड करना नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा उसमें होगा। तो वो है, मैं अलग से 6 विषय के सेमिनार लेता हूँ। क्या होता है कि 6 के बारे में लोग बोल नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ में अपने माँ बाप 6 के बारे में बोल नहीं पाते। बहुत सारे माँ बाप मेरे वेबिनार में, सेमिनार में भेजते बच्चों को कि आप देखो भाई डॉक्टर कहकर क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं साइंटिफिक बातें बताता हूँ, पूरी साइंटिफिक बातें बताता हूँ और लोगों को एजुकेट करता हूँ, ताकि लोगों को ऐसे गुप्त रोग, एड्स जैसे बीमारियां या बाकी कुछ ना हो जाए, तो ऐसे बताते रहता हूँ। और उसके लिए भी काफी सारी स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ मैं वो स्टोरी, वो तो आपको समझ में आए कि मैं ये काम करता हूँ क्यों। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और साइकेट्रिस्ट में हूँ तो ज्यादातर साइकेट्रिस्ट जो लोग है, मतलब मनोविकार तज्ञ, वो सेक्सुअलिटी प्रैक्टिस बहुत कम करते वैसे देखा जाए। तो जब मैं साइकेट्रिस्ट करके 1983 में अकोला में आया, चंडीगढ़ से मैंने पास किया, 1983 में अकोला में आया और प्रैक्टिस चालू किया। अभी उस जमाने में हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त थे, 1 साल कम उम्र वाले, 1 साल ज्यादा उम्र वाले, सबकी शादियां हो रही थी उस समय, सब अपने अपना मतलब एजुकेशन करके अकोला में आए थे। तो मेरा एक दोस्त मिला और बोले कि भाई कल मेरी सुहागरात थी और मैं उसमें फेल हो गए सुहागरात। तो बोले ठीक है, समझा दिया उसको मैंने, कुछ चिंता मत कर ऐसा वैसा, उसको कुछ बोल दिया मैंने कि चिंता मत कर ऐसा होते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वो निकल गया फिर, और मैंने बहुत लाइटली लिया, और हम लाइटली लेते सेक्स विषय में। दूसरे दिन उसके अंत यात्रा में मुझे जाना पड़ा, वही मेरे दोस्त के अंत यात्रा में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको सेकंड नाइट को भी वो फेल हो गया, इतना डिप्रेशन में चले गया, उसके वाइफ ने उसको भला बुरा बोला और उसने खुद को लटका लिया। इतना शॉक मुझे बैठ गया कि अरे मुझे कल शाम को मिला हुआ आदमी, दूसरे दिन मुझे अंत यात्रा में जाना पड़ रहा है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये विषय में लोगों को भी इसके बाद में आत्महत्या नहीं करने दूंगा, लोगों ने सुसाइड नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सेक्स प्रॉब्लम, क्योंकि ये बोल भी सकते नहीं बाहर इसको, और अपने दिमाग में घुटन चालू रहती लोगों की। तो उसके बाद में मैंने इतने सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप्स ऑन सेक्स, काफी सारे कोर्सेज किए, पोस्टल कोर्सेज किए, उस जमाने में पोस्टल कोर्सेज होते, पोस्ट से आता था मटेरियल, तो वो किए, बॉम्बे में जाके कोर्सेज किए, गोवा में गया, कोयम्बतूर गया, काफी सारे और बहुत जगह जाके मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए। और आज जो जो मेरे तरफ आते हैं और जो लेते हैं, डेफिनेटली उनको अच्छा ये लगता है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में लोग बोल नहीं सकते बाहर। हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम बाहर बोलते नहीं है, और फिर इसमें आत्महत्या कर लेते, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो लोग उसमें अपने बच्चों को भेजते हैं, है ना, काफी सारे मेरे वीडियो है, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल में भी काफी सारे वीडियो सेक्स के बारे में है, और लोगों को एजुकेट मैं करता हूँ। और मैं कुछ भी बातें अनसाइंटिफिक नहीं करता हूँ, मैं साइंटिफिक बात करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो नहीं बोलूंगा कि बस ये करो वो करो, ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ। एनीवे, तो ये हम करते रहते हैं। गुरुवार के लिए आज का जो प्रोग्राम है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे ख्याल से मनीष भाई, आज का जो अपना है अटेंडेंस, पिछले बार अपने लोगों को एक अपील किया था कि ज्यादा लोगों को बुलाओ, तो काफी सारे लोग आज आए, 122 लोग जूम पे है, उधर यूट्यूब के ऊपर 64 लोग है, मतलब एक बार ऐसा था कि करीब करीब 190 लोग थे दोनों मिलके, है ना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को शेयर करते हो और लोगों को एक लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो एक तरह से, मतलब लोगों के लिए स्टैंड लेते हो और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आपका शेयरिंग ये लिंक का उनके जीवन में कुछ बदल करेगा, उनको उनको फायदा हो जाएगा, राइट। शायद अंकुश जी आप पहली बार आए आज मेरे ख्याल से, अंकुश अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर, पहली बार आए सर। हाँ, लाइव प्रोग्राम लिया था एक बार बच्चों के लिए, तो ये लिंक कहाँ से मिली आपको सर? आपके इस पे से आई सर मेरे को। अच्छा, आ जाएगी लिंक, ठीक है, गुड। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, मतलब अकोला में रह के भी, मेरे ही सिटी में रह के इन्होंने पहली बार आया, देखो तो ऐसा होता है। तो आप तो लोगों को शेयर कर सकते हैं और सर, पूरे इंडिया के लोग आ सकते हैं, ठीक है, गुड। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले बोला कि अफर्मेशंस नंबर एक, नंबर दो मैंने बोला कि भाई अपना डेली शेड्यूल बनाओ, आपको टेंशन दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। नंबर तीन ग्रेटिट्यूड का मैंने बताया, अभी नंबर चार बोलता हूँ। नंबर चार ये है कि सोने के पहले एक अपनी डायरी बना के रखो, एक डायरी, और उसमें आपको लिखना है एक सवाल का जवाब। वो सवाल क्या है वो लिखो, कि मैंने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था वो मैंने आज किया, और उसका जवाब लिखना है। मैंने आज क्या नहीं करना चाहिए था मगर वो किया। फॉर एग्जाम्पल कोई बताएगा कि आज नहीं करना चाहिए था मैंने आज किया, एनीबडी? यस सरिता जी बोलिए, अनम्यूट कर। हाँ यस सर, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, आज कर लिया। हाँ चलो लिखना है फिर कि भाई मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए था ये व्यक्ति के ऊपर मगर मैंने किया। ओके गुड, तो ये एक्नॉलेज करना है अपने आप को, है ना, तो उससे फर्क पड़ेगा, तुरंत ही फर्क पड़ेगा, धीरे 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 फर्क पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका गुस्सा बंद हो जाएगा, है ना। यस अशोक जी बोलिए। सर मैं आज ऑफिस में बहुत ज्यादा बातचीत किया, बहुत लोगों से बात करता रहा, मेरा प्रमोशन हुआ था, बहुत लोग मिलने जुलने भी आ रहे थे, तो मुझे फील हो रहा है आज की मैं मुझे बातें कम करना चाहिए था,
मैं बहुत चार्ज हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, मैं बहुत, मेरा कल प्रमोशन का ऑर्डर निकला सर चीफ इंजीनियर पद के लिए। क्या बात है, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके जो एबल गाइडेंस का ही असर है, अबंडेंस फोरम, अबंडेंस फोरम, एविडेंस फोरम। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैजिक है, मैजिक। सर इनकी खास बात और है अशोक जी की, कि एक दिसंबर को इनका रिटायरमेंट हो रहा है और अभी एक महीने पहले उनका चीफ इंजीनियर के लिए प्रमोशन हो गया। गुड, अच्छा ना, एक महीना तो भी चीफ इंजीनियर बन के रहेंगे। चीफ इंजीनियर कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा? यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। पार्टी होना, पार्टी जी सर, पार्टी करेंगे। यस यस, आप कहाँ से बताओ ना, लोगों को बताओ ना कहाँ से आप। लखनऊ में हूँ सर। लखनऊ है तो लखनऊ भी पार्टी होना अपने को। ओके सर, वेलकम। यस,